नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। 6 सितंबर 2017 और 26 जून 2024, 7 साल का गैप है। 6 सितंबर को बुधवार था और 26 जून को भी बुधवार था। 6 सितंबर को गोगुंदा में 4 चोर आए थे और 26 जून की रात को भी गोगुंदा में 4 चोर आए। 6 सितंबर 2017 बुधवार था। बात है उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे की। उस दिन रात में बारिश हुई थी। बुधवार की रात लगभग 3 बजे गोगुंदा कस्बे में 4 चोर आए। सरिया देवी मंदिर से लेके बेरुजी की घाटी के बीच में 6 दुकानों के शटर ऊंचे करके उन 4 चोरों ने कई सारी नकदी पार की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और इन दुकानदार को भी आप जानते होंगे, इन लोगों को, सभी को आप जानते होंगे। इनकी दुकानों के शटर को ऊंचा किया गया, एक भी शटर का ताला नहीं तोड़ा गया। चोरों के पास में सरिये थे, लोहे की साबले थी और जेक थे। एक अलग ही किस्म की पद्धति थी, एक अलग ही तरीका था जिसके माध्यम से उन्होंने शटर को ऊंचा किया दुकानों का, और वो शटर के अंदर घुसे नीचे से होते हुए, और जो हाथ लगा वो ले गए। वो 4 चोर कौन थे वो आज दिन तक पुलिस पता नहीं कर पाई। अब आते हैं हाल ही की घटना पे। 26 जून 2024 की रात को 12 बजे बाद में 4 चोर गोगुंदा में आए हैं, और ये चारों चोर जो है सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। और चारों चोर जो है वो नकाबपोश थे, और इन्होंने 2 ज्वेलर्स की दुकानों पर धावा बोला, 2 दुकानों के शटर को ऊंचा किया, अंदर घुसे और तकरीबन जो है 8 किलो चांदी और 20 ग्राम सोना जो है वो चुरा के ले गए हैं। साथ में 20,000 की नकदी भी पार की है। गोगुंदा के हार्दिक ज्वेलर्स के रवि सोनी ने बताया कि उनकी दुकान से 3.5 किलो चांदी, 5 ग्राम सोना और 20,000 रुपए की चोरी हुई है। वहीं वासुदेव ज्वेलर्स के जो मालिक है उन्होंने बताया है कि उनकी दुकान से 3-4 किलो चांदी, 15 ग्राम सोना चोरी हुआ है। तो इस चोरी की जानकारी लोगों को सुबह 5:30 बजे लग गई। तो जैसे ही दुकानदारों को इसके बारे में पता चला, भीड़ जो है इकट्ठा होने लगी दुकान के बाहर, और इन्होंने पुलिस थाने में फोन करके सूचना देनी चाहिए, तो थाने का फोन नहीं लगा। यहाँ के सराफा व्यवसायियों ने बताया है कि गोगुंदा पुलिस थाने का टेलीफोन अक्सर बंद रहता है। 27 जून सुबह जब टेलीफोन किया गया, कॉल करना चाहा, थाने में सूचना देनी चाहिए, तो फोन बंद था। उसके बाद में लोग थाने में पहुंचे और वहां जाके पूछा, तो पुलिस कर्मी ने बताया कि फोन जो है वो खराब हो रखा है। लेकिन व्यवसायियों ने वहां पर देखा कि टेलीफोन की केबल बाहर निकली पड़ी थी। तो सीधा सीधा सराफा व्यवसायियों का एक आरोप है कि पुलिस जो है यहाँ पर जो है टेलीफोन को चालू नहीं रखती है, रात को उसका केबल निकाल के छोड़ देती है, फोन नहीं कर पाते हैं। तो ये तो एक बात हुई, पुलिस के ऊपर ये एक सवालिया निशान है। उनको देखना चाहिए कि सूचना का जो तंत्र है वो मजबूत हो, सूचना का जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है वो मजबूत हो, उसके संसाधन सारे कंप्लीट हो, तभी उन तक सूचना समय पर पहुंच पाएगी और वो समय पे कार्रवाई कर पाएंगे। तो गोगुंदा के सराफा व्यवसायी जो है आज काफी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने इन दोनों चोरियों में जो चोर लिप्त है उनको पकड़ने की मांग जो है वो इन्होंने की है, ज्ञापन सौंपा है, आक्रोशित भी वो नजर आए हैं। वहीं सराफा संघ के जो यहाँ के अध्यक्ष है कैलाश सोनी, उन्होंने बताया कि वो बार बार कहते रहे हैं कि गोगुंदा में पैदल गश्त बढ़ाई जाए। उनका कहना है कि पुलिस रात में गश्त करती है, जीप में बैठ कर आती है, हुटर बजाया जाता है, सायरन जो है पुलिस का वो गाड़ी पे चलता रहता है। ऐसे में चोर उस समय सतर्क हो जाते हैं और उसके बाद में गाड़ी के जाने के बाद में वो चोरी को अंजाम देते हैं। वहीं इस बारे में पुलिस थाना अधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि बाईपास सर्किल पे सदर थाने में और बस स्टैंड पर 2-2 पुलिसकर्मी नियुक्त है और वो रात्रिकालीन गश्त यहाँ पर नियमित रूप से करते हैं। उनका कहना है कि 27 जून की रात को चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उससे पहले पुलिस गश्त करके वहां से निकल चुकी थी। उन्होंने ये भी बताया कि नेपाली भी वहां पे गश्त करके निकला था और ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है, लेकिन उसके बाद में जो है चोर वहां पर आए और उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि 4 ये लोग हैं, चारों जनों ने नकाब मुंह पे बांध रखा है और ये एक बाइक लेके आए थे। इस बाइक में आप इनको देख सकते हैं, ये चोरी करके जाते समय की तस्वीरें हैं। तो ये जा रहे हैं और देखिए ये गली में घुस रहे हैं जिसमें माजी शाह
आशा बुआ का जिसमें घर है, इस गली में ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये यहाँ पे रुकते हैं और इस गली में नहीं जाके वापस से ये घूम के जो है बेरुजी की घाटी की तरफ निकल जाते हैं। तो ये चार चोर हैं और ये जो इनके पास बाइक है, इसका ये जो नंबर है RJ27, और इस नंबर की पुलिस ने पड़ताल की है। पुलिस ने बताया कि ये मालवा का चोरा के हुसाराम गराचिया की गाड़ी है। और सोशल मीडिया पे भी एक पोस्ट आज देखने को मिली जिसमें हुसाराम गराचिया नाम के व्यक्ति ने एक पोस्ट कर रखी है और उन्होंने कह रखा है कि बीती रात को उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। संभवतः ये चारों ही चोर जो है उसी क्षेत्र के हैं जिन्होंने इस बाइक की चोरी की और फिर इस बाइक से गोंगुता तक वो आए और यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अब अगर ये लोग मालवा के चोरा की तरफ के हैं तो इस चोरी को शैतान सिंह नाथावत जरूर पकड़ लेंगे। गोगुंदा पुलिस से ये उम्मीद की जा सकती है। गोगुंदा थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत की एक खासियत रही है जो देखी गई है कि इन्होंने चोरों को काफी पकड़ा है। वो चाहे मकानों से, दुकानों से, फैक्ट्रियों से चुराई गई सामान की चोरियां हो या फिर जो है मोटरसाइकिल चोरी के मामले हो, इन्होंने दर्जनों मोटरसाइकिलें यहाँ पर पकड़ने की कार्रवाइयां की है और उसमें लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों को, युवाओं को खासतौर पर इन्होंने पकड़ा और वो सभी मालवा चोरा देवला के आसपास के चोर थे। तो पुलिस के पास एक ये लीड है कि पुलिस जिन बाइक चोरों को आइडेंटिफाई कर चुकी है उन तक पहुंचेगी और जब बाइक चोरों तक पहुंचेगी तो ये दोनों चोरियों का जो है खुलासा हो जाना संभव है। संभवतया थानाधिकारी नाथावत ये जरूर कर पाएंगे।